पर जाने वाले हैं। सर्दी है, टाइट वाली माहौल है, टाइट वाला, और ये पीछे से बंदे हुए तमाशाई। यहाँ पे हम कर रहे हैं एक बंदे की ओपनिंग सेरेमनी, ये जिंदगी में पहली दफा बर्फ को हाथ लगा रहा है। हमने टिकट शंग्रीला रिसॉर्ट की। तो बॉयज फाइनली हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पे आने के लिए हम लोगों ने कई महीनों से प्लानिंग की हुई थी, और शंग्रीला रिसॉर्ट के ऊपर। और यहां माहौल बहुत ही लश किस्म का होने वाला है। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा ली, अब हम ऊपर जाने वाले हैं। सर्दी है, टाइट वाली माहौल है, टाइट वाला, और ये पीछे से बंदा। तमाशाई, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक बंदे की ओपनिंग सेरेमनी, ये जिंदगी में पहली दफा बर्फ को हाथ लगा रहा है। चलो चले चले, पहली दफा बर्फ को हाथ लगाते हो जब। रिजॉर्ट की ब्यूटी, असल में यहाँ पे आप लेक देख रहे हैं, लेक बिल्कुल फ्रीज नहीं मारना अभी भैन के टको, ठीक है। असल में लेक फ्रीज हुई अभी ना मार यार, देखे लेक देखिए आप, मेरे बंदे पीछे कुछ बंदे अबे यार, ये देखिए आप यार, ये पीछे से मस्तियां कर रहे हैं भैन के। आगे पोजीशन कोई आगे नहीं आएगा, आगे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं अभी भी रिकॉर्ड कर, आगे नहीं, मैं नो बॉल दे दूंगा अगर आगे कोई। 1 2 3 पीछे आगे क्यों आ रहा है, देख नॉर्मल नॉर्मल आ जाएगी, थोड़ा और पीछे गया क्या, बॉल ही नहीं बदल गया वीडियो। कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पीछे लाल लाल हाउसेस दिख रहे हैं, आपने पहली दफा कहाँ देखे थे यार? पहली बार यार, अभी पहली बार देख रहा हूँ। मैंने पहली दफा देखे थे नई की दुकान पे, तस्वीर लगी होती है ना सामने बड़ी सी, वहाँ देखे थे, और उसके बाद मैंने सोचा था यार कभी ना कभी तो चलो जाएंगे, और आज इत्तेफाक से यहाँ आए, और हम आए भी ऐसे टाइम पे हैं कि पूरा खाली है, क्योंकि रास्ता जो है ना बड़ा ही लंबा है, और बर्फबारी वगैरह भी बहुत अच्छी है। हाँ, रोड बड़े अच्छे हैं। मुदस्सिर अब आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है रोड वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और यहाँ की आप ब्यूटी तो देख ही रहे, माशाल्लाह पहाड़ वगैरह, रिसोर्ट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह। -9 चल रहा है, -9 है। हाँ भाई टेम्परेचर, मतलब ये रात में तकरीबन ये -15 तक हो जाता है, क्योंकि शाम होती है ना तो थोड़ा नॉर्मल होता है, रात में बहुत ही ज्यादा हो जाता है। पिक्चर ले माजल, ऐसा ले दिस इज शंग्रीला रिजॉर्ट। यहाँ हम आ चुके हैं, और यहाँ के अंदर बड़े ही खूबसूरत किस्म के सीन्स हैं। अभी चलते हैं, तेरा यकीन क्यों तूने किया नहीं, यार बॉयज यहाँ पे हम आए थे, लेकिन यार हमारे पास जहाज गिर गया, लेकिन इसके अंदर रेस्टोरेंट भी खुल चुका है,
अंडे वाला बर्गर भी इसके अंदर मिल रहा है। तो बॉयज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ शंग्रीला रिजॉर्ट पे रखा गया जहाज, जो कि बेसिकली बिल्कुल जहाज ही है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने, यहाँ पता नहीं किसने यहाँ पे सेटिंग करके यहाँ पे जहाज रख दिया जनाब। ये चेक करें आप, ये मैं एयरपोर्ट पे नहीं हूँ, ये मैं शंग्रीला रिजॉर्ट पे हूँ और यहाँ पे जहाज भी है, रेस्टोरेंट खुला हुआ है। अंडे वाला बर्गर खाओ, कुछ भी खाओ, आराम से जाके खा सकते। तो भाई जहाज में जो नहीं बैठा वो यहाँ पे आके बैठ के एंजॉय कर सकता है। अंदर लगी हुई सिंपल वाली कुर्सियां और फुल मजेदार किस्म का सीन हो चुका है। फ्रीज हुई है, ठीक है। वैसे इसमें बोट वगैरह का सीन होता है लेकिन अभी बंद किया हुआ है क्योंकि यार सर्दी बहुत ज्यादा है और बोट बीच में फंस जाए क्योंकि वो फ्रोज हुआ हुआ। और यार ये जो सामने दरख्त है ना, इसके जो कलर है ना वो बड़े खूबसूरत है, यहाँ पे येलो, वहाँ पे रेड और वहाँ पे ग्रीनिश। और ये जो लग्जरी हाउसेज है ये यहाँ की सब मेन चीज है यहाँ पे। ये हाउस चेक करें कितना ब्यूटीफुल है यार। चाइनीज का सब रह सकते हैं भाई, रह सब सकते हैं लेकिन हाँ ये जो थीम है ना, जैसे वो फिलिपाइन में नहीं होते, फिलिपाइन मलेशिया और वगैरह वगैरह में ऐसे हाउसेस बने होते हैं, तो वो बने हुए हैं। और हाउस भी होता है सही। हाँ हमारे पास एक चाइनीज दोस्त भी है लेकिन वो अभी नहीं आया हुआ, तो वो खुलवा। ये है जना के यहाँ के लग्जरी हाउसेस। ओह माय गॉड ब्यूटीफुल। एक बार कहाँ गया था वो जहाँ पे तुमने इस तरह की यही शायद जैकेट पहनी थी? ये मैं मालन जब्बा। कौन से टाइम पे गया था ये? वो गया था मार्च, यही था, यही दिन थे यार। तो बस ये है यहाँ के लग्जरी हाउसेस। कमजोर पैसे निकला लग रही है। और यार मगरिब होने वाली है, बस ये शॉर्ट्स वगैरह बना के हम यहाँ से निकलने की अब कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे भी सही तफरी आने वाली है लेकिन मैं यहाँ इस जगह को रेट करूंगा 10 out of 10 यार। बहुत जबरदस्त जगह थी, बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से आवाम यहाँ पे थी कम और मजा ज्यादा आया क्योंकि अभी बंद हुआ है ठीक है। रास्ता मुश्किल है इसलिए लोग कम आ रहे थे लेकिन हम तो भाई आपको पता है डेयरिंग है भाई, हम पहुंच जाते हैं कुछ भी हो, हम ये नहीं सोचते कि भाई रास्ता बंद है या नहीं है। हमने भाई ड्राइवर को बोला कि भाई चलो, तो चलो बस खत्म होगी बात। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने वाले हैं, बस गाड़ी वाला इंतजार कर रहा है और यहाँ से अब हम जाने लगे हैं। यस करते हैं, वो भी करेंगे गाड़ी में करेंगे अब। साथ साथ वैसे यहाँ पर डक फार्म भी है, ये आपको दिख रही है डक्स, खूबसूरत किस्म की डक्स। से ज्यादा जूम करूंगा ना मजा नहीं आएगा इसलिए यहीं से देखो। ये यहाँ से आप देखें ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे भी डक्स हैं। ये हमारी अब गाड़ी खड़ी क्योंकि हम अब यहाँ से जाने वाले हैं, तो सोचा थोड़ी सी डक्स वक्स भी दिखा दूं क्योंकि यार बहुत यार मजा आया, बहुत लस सीन था। चलो
तो बॉयज यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंड होने वाला है शंग्रीला रिजॉर्ट का, क्योंकि हमने शंग्रीला रिजॉर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से घूम लिया है। अब मगरिब होने वाली है, असल में रोड ऐसे हैं कि यार मगरिब से पहले बंदा यहाँ से शार्ट हो जाए तो बेहतर होता है, तो अब हम यहाँ से शार्ट होने लगे हैं। और मेरे तमाम दोस्तों की तरफ से भी खुदा हाफिज, अगले ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। और अगले ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे जनाब कोल्ड डेजर्ट में। तो पे हमारा होटल है माशाल्लाह से, ये है हमारा होटल। रात के 8 बजने वाले हैं और ये हम होटल में आ चुके हैं। अभी होटल में लाइट गई हुई थी, जनरेटर शनरेटर चलाया, सेटिंग वेटिंग अभी कर रहे हैं।